हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पहली हाउस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे लॉजिकल पहेलियां आपको मिलती रहे। तो चलिए पहेली शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस पहेली में हम देखेंगे कि किसे बचाएगा बालवीर। तो चलिए पहेली शुरू करते हैं। एक दिन बालवीर, मेहर और मानव गार्डन में घूमने आते हैं और मेहर कहती है कि चलो हम गार्डन की बाकी जगह पे भी घूम के आते हैं। मानव भी मेहर के साथ गार्डन में घूमने के लिए हाँ बोलता है, लेकिन बालवीर कहता है मैं थोड़ा थक गया हूँ तो मैं यही रुकता हूँ, तुम लोग जाओ। मानव और मेहर वहाँ से निकल जाते हैं और बालवीर वही आराम करने के लिए रुक जाता है। इधर मानव और मेहर एक छोटे तालाब के पास आते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक बैग दिखता है जहाँ 5 करोड़ रुपए रहते हैं। मानव मेहर उस 5 करोड़ के बैग के लिए झगड़ा करने लगते हैं और तालाब के पानी में गिर जाते हैं। इधर बालवीर उनकी राह देखता रहता है, लेकिन काफी देर तक वह नहीं आते तो बालवीर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब बालवीर को मानव और मेहर पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं के साइड में 5 करोड़ रुपयों का बैग भी डूबते हुए दिखाई देता है। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो कि इन तीनों में से बालवीर ने किसको पानी में डूबने से बचाना चाहिए? तो दोस्तों, सिचुएशन को ध्यान से देखिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बालवीर 5 करोड़ रुपयों के बैग को पहले बचाएगा, क्योंकि नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इस पानी की गहराई 2 फीट है। तो पानी की गहराई अगर 2 फीट है तो मानव और मेहर इस पानी में नहीं डूब सकते, क्योंकि उनकी हाइट 2 फीट से ज्यादा है। तो इसलिए बालवीर उस बैग को बचाएगा, क्योंकि वह बैग पानी में डूब सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।